था और आपके गवर्नमेंट आने के बाद आप लोग यहाँ किस तरह का डेवलप कर रहे हैं और आज यहाँ पहले ऑक्सीजन था या नहीं था, थोड़ा बताइए किस तरह का यहाँ कमती थे, अभी किस तरह का डेवलप आप लोग कर रहे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोरोना के टाइम हमें ये नहीं किसी के पहले प्रशासन के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक भी नहीं है। जब हमने चार्ज लिया इस काउंसिल का, मेरे संग मेरे सीए, मेरे हेल्थ मिनिस्टर सब आए थे और हमने देखा कि यहाँ में काफ़ी कठिनाई है। पिछले 3 साल से एक्सरे मशीन काम नहीं कर रहा है, यहाँ में ऑक्सीजन की का कोई सुविधा नहीं था, यहाँ में डॉक्टर्स बहुत कष्ट से काम कर रहे हैं, यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे वुमेंस के लिए सेपरेट बाथरूम भी नहीं है। तो ये सब देखकर हमने 2 बार यहाँ में हम खुद आए थे, सबसे इंटरेक्शन किया, उसके बाद हमने एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दिया कि आप पूरे त्रिपुरा में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। कुमुलुंग में ये एक हॉस्पिटल है जिसमें एरिया सब है, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हमने मेंटेन नहीं किया है और हमने इसमें कोई पेशेंट्स के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो हमने ये दरख्वास्त स्वयं हम और हमारे सीएम, हमारे हेल्थ सीएम, उनसे हम लोग जाकर सीएम से मिले और हमने उनको दरख्वास्त किया और स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है। मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि मुझे नेगेटिव राजनीति करनी चाहिए कोरोना के टाइम में। अगर हम कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं लोगों के हित के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। आने वाले दिन में यहाँ में और भी बहुत चीज़ हमको बनाना है। सब प्रेशर अगरतला में नहीं होना चाहिए, कोई भी मरीज़ बीमार हो उनको हमेशा अगरतला जाने का दरकार नहीं होना चाहिए। हमें अपने ही एरिया में उनको भी एक रिलीफ का एक मौका देना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से काम किया तो हेल्थ केयर एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और हम इसको मिलकर ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।